हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। दोस्तों, ये बुक है इस पार्ट पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 से 60 के बीच लगभग जीके जीएस के क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित हैं और पिछली परीक्षाओं में यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। यहां से आपको रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा और एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बुक को जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में विख्यात किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में विख्यात किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय, यानी कि ऑप्शन सी, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट भी होता है, साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों को अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होंगी। क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। देखिए, इनकी भेदन क्षमता के अनुसार इनको लगाया गया है। पहले आएगा गामा किरणें, फिर बीटा, इसके बाद अल्फा। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर इसका मैक्स, यानी कि ऑप्शन सी। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्धनता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है। क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्धनता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। सही आंसर है लाल रंग, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, लाल रंग। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वयन होता है। क्वेश्चन है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वयन होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, संकर कंप्यूटर का मतलब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर हैं जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की क्षमताओं से युक्त होते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन बी। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं। क्वेश्चन है, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव होते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। राइट आंसर है परमाणु भार के बराबर। किसके बराबर, परमाणु भार के बराबर। क्लोरो फ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में क्लोरो फ्लोरोकार्बन, जिसको सीएफसी भी कहा जाता है, ये ज्यादातर यहाँ प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो सही आंसर इसका रैम में। कहाँ पर, रैम के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये एग्जाम में। तो ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी जो कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। इसकी डेट याद रखिएगा दोस्तों, इसका सन था 1984, ठीक है, 1984 में भोपाल में ये गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बीआर अंबेडकर द्वारा की गई थी? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बीआर अंबेडकर के द्वारा की गई? आंसर है स्वतंत्र श्रमिक दल, ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना बीआर अंबेडकर के द्वारा की गई। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? सही आंसर है संसद की, ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता भारत में। सिखों के धार्मिक स्थल में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक स्थल में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सही आंसर है ननकाना साहिब, ठीक है दोस्तों, ननकाना साहिब ये भारत में नहीं है। यह स्थान अब पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है ना, यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो सही आंसर है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय दोस्तों रोम इटली में है। कहां पर? रोम इटली में है इसका मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। बाकी सब देखिए, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए यहां पर ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? क्वेश्चन था, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थलीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? आंसर है स्थलीय। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वीडन, ठीक है दोस्तों, स्वीडन। अच्छा, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यह है स्वीडिश क्रोना। क्या है? स्वीडिश क्रोना। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार कौन है? क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार कौन है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद। भारतेंदु हरिश्चंद को आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार कहा जाता है। निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका क्रोएशिया। क्या है इसका सही आंसर? क्रोएशिया। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? देखिए यहाँ पर खेल दिए हैं और उनके मैदान दिए हैं कि ये किस मैदान पे खेले जाते हैं, तो इनमें से गलत है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बेसबॉल, ठीक है दोस्तों, बेसबॉल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जिस मैदान में टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि खेल होते हैं उन्हें कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। और बेसबॉल का मैदान को बोला जाता है डायमंड। क्या कहते हैं? डायमंड। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म एवं टीवी अभिनेता थे? तो इनका नाम है रोनाल्ड रीगन, ठीक है। निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध टीवी और फिल्म अभिनेता थे? तो आंसर है रोनाल्ड रीगन। भारत के निम्न संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में है। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि मूल्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है? क्वेश्चन है, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, साल में दो बार, ठीक है, साल में दो बार सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? सही आंसर है इसका, ब्रिटिश संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से।
लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं ये? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अफसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? सही आंसर है निर्गत आगत का अंतर। ठीक है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? निर्गत एवं आगत का अंतर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 37, यानी कि ऑप्शन सी। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय पर लागू नहीं किए जा सकते। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पल्लव वेल्लोर। ठीक है, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। क्या थी? वारंगल। लेकिन कांची पल्लव वंश की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, जिसको आधुनिक कांचीपुरम कहते हैं हम लोग। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? क्वेश्चन है, वे दो वंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? देखिए, यदि आपको दिल्ली सल्तनत का क्रम याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुलाम तथा तुगलक वंश। दोस्तों, आप दिल्ली सल्तनत का पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं जाकर। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो डाला है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें लगभग हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं जो सारे ही एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? राइट आंसर है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहां कट रहे हैं लेकिन मैं इसको आपको पूरा करवाऊंगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बाकी के ऑप्शन दिखाता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इनकी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। फिर सुनिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पर पहले है फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, रूसी क्रांति। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले हुई ग्लोरियस की क्रांति, उसके बाद हुई स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, फिर हुई फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद है रूसी क्रांति। ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं इनके सन भी बता देता हूं आपको। ग्लोरियस क्रांति 1688 में हुई, स्वतंत्रता की अमेरिका की लड़ाई 1775 से 1783 तक चली, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक, यानी कि 1789 से 1799, और रूसी क्रांति चली 1917 में। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो ये होती है जलोढ़ मृदा। मृदा का मतलब है मिट्टी। ठीक है, धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अच्छी मानी जाती है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो सही आंसर है इसका लोहा के कारण। लाल मृदा में, यानी कि लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दो बार काटती है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है या फिर दो बार काटती है? सही आंसर इसका कांगो नदी, यानी कि ऑप्शन ए।
प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो ये होती है आरोही जड़। कौन सी जड़? आरोही जड़। गुणसूत्र किससे बनते हैं? क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन से। गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से। जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो ये है दोस्तों इंग्लैंड की। कहाँ की? इंग्लैंड की। निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो आंसर है एक एल्गी तथा एक फंगस। ये सांकेतिक संबंध है जो कि लाइकेन का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आंसर है चावल तथा मूंगफली। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? क्वेश्चन है, धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को धार्मिक आधार पर अपवित्र माना जाता है। क्वेश्चन है, रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वह है? तो सही आंसर है तांबा, यानी कि ऑप्शन बी। आलू का अंकुरण उपयोगी है? क्वेश्चन है, आलू का अंकुर उपयोगी है? आंसर है जनन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसके अंदर। ठीक है, क्या है? आलू का अंकुर उपयोगी होता है किसके लिए? जनन के लिए। जिस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है वह है? आंसर है यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? सही आंसर है लोहा। मिर्गी एक बीमारी है? क्वेश्चन है, मिर्गी एक बीमारी है। राइट आंसर है स्नायु प्रणाली की। मिर्गी कैसी बीमारी है? स्नायु प्रणाली की बीमारी है। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन है, गंगा नदी में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अंदर ढाल कम होने के कारण। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है? क्वेश्चन है, आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रवा बनने से बचाने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका, गोबर गैस का मुख्य अवयव है। तो सही आंसर इसका मीथेन। ठीक है दोस्तों, मीथेन गैस ये गोबर गैस का मुख्य अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर है जल का भाप में रूपांतरण। ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।